इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, अभी इसको अगर ऑप्शन देखने की अगर आपको आदत होती तो मुझे नहीं लगता है कि इस सवाल को पढ़ने की भी जरूरत है। केवल ऑप्शन देखने की अगर आदत होती तो और एक बेसिक समझ आपके पास होती तो। फिलहाल मैं ऑप्शन देख रहा हूँ तो यहाँ ये केस चला है, इसका मतलब आर्टिकल का पूरा खेल है। आर्टिकल से रिलेटेड मैंने अभी पीछे दो चार क्वेश्चन पहले बातचीत किया है, जिसमें मैंने ये बोला आपको कि आर्टिकल का प्रयोग वही होगा कि जब उसके बाद कोई ना कोई नाउन होगा, यानी आर्टिकल नाउन को दिखाने के लिए आएगा, नाउन को प्रदर्शन करने के लिए आएगा, तो इसके बाद कहीं ना कहीं आर्टिकल के बाद नाउन आएगा। जो यहाँ दो जगह आपको फिर इन ब्लैंक्स की बात बोल रहा है पढ़ने के लिए, तो आप देख रहे हैं कि यूरोपियन है और दूसरा शब्द एलिफेंट है। तो यूरोपियन एक नाउन है और एलिफेंट एक नाउन है, इन दोनों नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग करना है। सवाल ये उठता है कि इस तरीके से डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होगा, जैसे आप देख रहे हैं डिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट और डिफिनिट आर्टिकल, इन दोनों को लेकर बवाल चल रहा है। तो क्वेश्चन के लिए मैं देख रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ शब्द है यूरोपियन, देखिए एक यूरोपियन को देखा जाएगा आयशा। तो यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा कि यूरोपियन, मैंने आपको आर्टिकल में अभी बातचीत कहा है कि यदि जब आर्टिकल को आप क्या करेंगे पढ़ेंगे तो वहां यदि क से लेकर हिंदी के जो व्यंजन वर्ण है यानी कॉन्सोनेंट है व्यंजन है, यदि किसी शब्द जो एक तरीके से नाउन है और उसकी शुरुआत हिंदी के व्यंजन वर्ण से हो रही है, व्यंजन वर्ण से हो रही है जैसे क से लेकर ज्ञ तक, अगर मैं यूरोपियन को लिख रहा हूं तो मैं लिख पाऊंगा यूरोपियन ऐसे। और यहाँ जो ये शब्द की शुरुआत